नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वर्ष 2023 के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई आरोप प्रत्यारोप का घमासान चल रहा है। इसी को लेकर आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस को सिर्फ चुनावी वर्ष में ही हिन्दुओं की याद आती है। इनकी सरकार बने तो हिन्दू समझदार और भाजपा की सरकार बने तो हिन्दू को बेवकूफ समझते हैं। यह राम और राम सेतु के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। यह लोग जाकिर नायक को शांति दूत मानते हैं। आरएसएस जो राष्ट्रवादी संगठन है उसकी तुलना बोको हराम से करते हैं। वह कांग्रेस को थका हुए व पके हुए लोगों का संगठन कहा। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। हिंदू का अपमान जब हो उसको छूट नहीं देंगे। इनकी सरकार आ जाए तो हिंदू समझदार हो, भाजपा की आ जाए तो बेवकूफ। ये इनकी थीम रहती है। इन्हें ओसामा को ओसामा जी कहने को हिंदू मानते हैं। ये राम मंदिर पर तारीख पर सवाल उठाने को हिंदुत्व मानते हैं। राम सेतु और राम को काल्पनिक कहने को ये हिंदू मानते हैं। कि जाकिर नायक को शांति दूत कहना उसको हिंदू मानते हैं। ये आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है उसकी तुलना बोको हराम से करने को ये हिंदुत्व मानते हैं। ये इस तरह के दोनों लोग हैं, एक थके हुए एक पके हुए, जिसके कारण से ये रसातल को आज कांग्रेस जा रही है। बटाला हाउस पे जो आंसू बहाते हैं वो वाली स्थिति है। एक बात मेरी तो समझ में ही नहीं आई है, कमलनाथ जी ने जो कहा है कि जो दुस्साहस किया है बेवकूफ कहने का, ये कहीं युवराज पर तो उंगली नहीं उठा रहे, उनकी तरफ तो इशारा नहीं है इनका कहीं से, ये भी विचार नहीं बिंदु। कमलनाथ जी ने श्रमिक दिवस पर कई घोषणाएं कर दी और ये कहा है कि छुट्टी देंगे मजदूरों को। काम देने की बात तो कर नहीं सकते हो, काम उनने आज तक किसी को दिया भी नहीं है, काम की घोषणाएं की है इसलिए छुट्टी की बात कर दी। ये वही कमलनाथ जी है जिनने साप्ताहिक अवकाश दे के पुलिस वालों के साथ छल किया था। इन्होंने रोजगारी भत्ता और रोजगार देने के नाम पर छल किया था। पेट्रोल की कीमतें कम करेंगे ये कह के छल किया था, फिर छलावा किया। सर दीपक जोशी हैं पार्टी से नाराज, चल रहे हैं कि आप हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, मेरे साथ मंत्रिमंडल में रहे, बहुत योग्य व्यक्ति हैं, समर्पित व्यक्ति हैं और राजनीतिक संत जिन्हें कहते थे, जिनकी जिस वृक्ष की छाया में नरोत्तम जैसे अनेक लोग पार्टी से जुड़े और विकसित हुए, दीपक हमारे ऐसे कार्य। सर ऐसे क्या कारण है पार्टी के जो पुराने जो नेता हैं वो लगातार नाराज दिख रहे हैं? तमाम कई आप ही को कारण दिख रहा है, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सर वो तो कह रहे थे कि अकेले कब तक लड़ पार्टी का कोई है नहीं, सब साथ में हम साथ खड़े हैं। सर कर्नाटक में जो आपने ऐलान करा मैनिफेस्टो में, कांग्रेस कह रही है कि आप भी मुफ्त की रेवड़ी बांटने में जुट गए हैं, जिस तरीके से वहां दूध भी फ्री टंकी भी फ्री। देखो जो मध्य प्रदेश वाले हैं यहाँ पर किसने क्या किया है ये सामने। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।